घटना हुआ है बांग्लादेश में, एक ताजफुल बोल के एक शख्स का नाम है। आपको पता चल रहा है कि आपका ये आखिरी खाना है लाइफ का, उसके बाद आपका मर्डर होने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ जी, ऐसे हुआ इस शख्स के ऊपर। इसको पहले इसको अच्छी तरह से खाना खिलाया गया, उसके बाद इसको मर्डर किया गया। मर्डर भी ऐसे किया गया कि इसको तड़पा के इसको मर्डर किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बातें कर रहे हैं, तो ये हम डिस्कस कर रहे हैं, तो ये बांग्लादेश का न्यूज़ है। ये बहुत ही ज़्यादा फैला हुआ है, किसी किसी को पता भी होगा, कम लोग को, ज़्यादातर लोग को इसको पता ही होगा। जितना भी देखा मैं बांग्ला बांग्ला न्यूज़ में चल रहा है। लेकिन ये हिंदी में कोई मतलब इसको ट्रांसलेट नहीं कर रहा है और किसी को पता नहीं चल रहा है। पता नहीं इंडियन के न्यूज़ में कब देगा ये। ये घटना हुआ है बांग्लादेश में, एक ताजफुल बोल के एक शख्स का नाम है। आपको पता चल रहा है कि आपका ये आखिरी खाना है लाइफ का, उसके बाद आपका मर्डर होने वाला है, तो आपको कैसा लगेगा? हाँ जी, ऐसे हुआ इस शख्स के ऊपर। इसको पहले इसको अच्छी तरह से खाना खिलाया गया, उसके बाद इसको मर्डर किया गया। ऐसे मर्डर भी ऐसे किया गया कि इसको तड़पा के इसको मर्डर किया गया है। तो दोस्तों वीडियो क्लिप इस तरह वीडियो क्लिप देखते मेरा हाथ कांपने लगा था दोस्तों। तो आप लोग शायद कम लोग ये पता होगा कि ये वीडियो इतना वायरल हो चुका है। इस शख्स का नाम है ताजफुल बोल के, ये शख्स का नाम है। तो बांग्लादेश में कुछ यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट चल रहा था, टूर्नामेंट में कुछ किसी किसी शख्स का फोन चोरी हो गया था, तो किसी किसी लोग ने इस लड़के को पकड़ के लेके आया और इसको चोरी का आरोप लगाया। तो इस शख्स ने बताया कि ये मैंने नहीं किया है, तो मैं इतना इतना दिन से भूखा हूँ, मैं कुछ नहीं खाया। तो ये बात सुनने के बाद भी वो लोग ने नहीं छोड़ा, तो इन्होंने हाथ जोड़ा वो जोड़ा, फिर भी इनको नहीं छोड़ा गया है, इसको तड़पा के इसको मरवाया है। ये इंसानियत क्या रहा है? अगर जानवर के बराबर, जानवर तो फिर भी ठीक है, एक ही बार में ख़त्म करते हैं, ये इंसान है या जानवर कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे। तो दोस्तों ये शख्स जो देख रहे हैं आप, लाइफ का आखिरी खाना ये खा रहे हैं। जैसे तस्वीरें में आप लोग नज़र लगाओ और देखो। हाँ, इस शख्स का कहानी भी ये है। अब कहानी बोलना पड़ेगा क्योंकि ये शख्स अभी नहीं रहा हमारे बीच। कितना दर्दनाक दर्द दे के इसको मरवाया है। तो इस शख्स का कोई फैमिली नहीं है, तो है तो मामा का, दीदी का, ऐसा कुछ। दीदी का नहीं, मतलब मामी का, मामा का, बड़े मामा का, ऐसा इसका फैमिली है। लेकिन इसका खास फैमिली जो मम्मी पापा जो भाई है इनका नहीं है। 2016 में इसके पापा एक्सीडेंट में मारा गया है। उसके बाद 2019 में इसका मम्मी जो है लीवर के बीमार में, कुछ लीवर का कुछ प्रॉब्लम हुआ था, तो इसके वजह से इसका मम्मी भी डेथ हो गया था उस टाइम में 2019 में। और 2023 में इसका भाई भी मारा गया, ये पुलिस में था इसका भाई। तो अभी 2024 कुछ दिन पहले ही, करेक्टली एग्जैक्टली ये डेट पता नहीं, लेकिन मतलब 5 दिन, मतलब एक हफ्ता आगे पीछे शायद इस टाइम में इस शख्स का मर्डर किया गया है। तो मैंने जितना भी सर्च किया नेट सोशल मीडिया में, तो सोशल मीडिया में जितना भी पोस्ट किया गया है 4 दिन के ऊपर नहीं रहा ये वीडियो क्लिप, जितना भी न्यूज़ वगैरह दे रहे हैं, तो 4 दिन के पहले नहीं है, मतलब एक हफ्ता के आगे ही हुआ है ये घटना। तो घटना शायद कम लोगों को पता होगा, ये इतना बड़ा घटना हो चुका है दोस्तों, ये खतरनाक घटना हो गया है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में जस्टिस मांग रहा है इसके ऊपर। तो मैंने कुछ तस्वीर भी देखा है कि तस्वीरें के सामने आ गया कि पुलिस वालों ने उस शख्स लोग को गिरफ्तार कर लिया है जिसने ये कांड किया है। आप लाइफ का आखिरी खाना खा रहे हैं और आपको टेस्ट भी पूछा जा रहा है कि खाने का टेस्ट कैसा है, और वो शख्स बता रहा है कि खाना का टेस्ट अच्छा है। तो वीडियो क्लिप में आप लोग देख ही सकते हैं। तो दोस्तों और ज़्यादा भी नहीं बोलूँगा, इतना भी गुड इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, जो जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने आप लोग को शेयर किया है। तो दोस्तों अब हम भी इंडिया की तरफ से जितना मतलब जस्टिस मांग सकते हैं, हम मांगने के प्रयास करेंगे।
वही वाणा जोस्टिस ताजो फुल नाम से आप लोग जस्टिस लिख के दे सकते हैं कमेंट में, इतना तो आप लोग कर ही सकते हैं इंडियन नागरिक होने के खातिर। तो दोस्तों इस मैडम शायद उसका कुछ रिश्तेदार हो सकते हैं, मतलब घर के लोग रिलेशन है, तो इस दीदी ने कुछ बातें किया गया है। तो आप लोग बांग्ला अगर समझते हो तो ये वीडियो क्लिप देखना। और बाबा मारा गया रोड एक्सीडेंट है 8 বছর আগে ওর মা মারা গেছে লিভার ক্যান্সারে। তারপর ছিল ওরা দুই ভাই, ওর ভাই হলো নাজিরপুরের থানার এসআই নাসির হোসেন। তখন উনি গত বছর মানে পহেলা রোজায় ধরা পড়ছে ক্যান্সার, উনি 15 রোজায় মারা গেছে। ওর ভাই মারা যাওয়ার পরে ও হলো ও একদম রাস্তার উম্মত পাগল হয়ে গেছিল। আপ লোগো নে দেখ লিয়া হোগা। তো দোস্তো আপ লোগ জিতনা হো সকে आप लोग कमेंट करो और ये वीडियो जितना हो सके आप लोग शेयर करना। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।